आपकी करीबी दोस्त हैं वो इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं, तो आप उन्हें कहना चाहेंगे कि आप स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब जो सेवन करते हैं आप ये छोड़ दें? अक्षय जी अगर आपको मेरी आवाज़, सरकार आप इतने दूर हो मुझे सुनाई नहीं दिया आप क्या कह रहे हो, आप माइक के पास आ जाइए। हाँ जी माइक है मेरे पास, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अक्षय जी हम सभी जानते हैं कि आप जो है गुटखा तंबाकू इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफ़ी इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं, तो आप चाहेंगे कुछ एक आपके काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप चाहेंगे कि वो तंबाकू बीड़ी ये सारी चीज़ें छोड़ दें? हाँ जी बिल्कुल, मैं कौन नहीं चाहेगा, चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो जिसके लिए भी हो, स्वर्ण साथी सबके लिए है और मैं चाहूँगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें और बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती है और मैं यही चाहूँगा, बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूंगा इसके बारे में। जी 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 अच्छा जी किसी का नाम लेना चाहेंगे आप अपने दोस्तों का कि जो इन सारी चीज़ों को छोड़ दे? क्यों बेटा तारे ताकि तेरा चैनल चल जाए। हाय अक्षय। ओके अक्षय जी टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है, एक आखिरी सवाल, टॉयलेट एक प्रेम कथा चाइना में भी रिलीज हो रही है, उसका नाम है टॉयलेट हीरो, चाइना में काफी अच्छा बिजनेस होता है, अगर आप कुछ कहना चाहें कितने एक्साइटेड हैं आप? बेटा उसके बारे में आप और मैं वार्तालाप बाद में करेंगे। ओके ठीक आओ। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर हल्दी देखा, इसके अंदर हल्दी देखी और मुझे बचपन से मालूम है, ये जरूर मालूम है कि हल्दी इज हेल्दी और हमारे हिंदुस्तान में ये जो हल्दी चीज है, बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जो आयुर्वेदा में आती हैं। क्या इन्होंने टेस्ट किया है स्वर्ण साथी? ये आप कहाँ से हैं? आप क्यों इनके कान में कह रहे हैं? अच्छा बैठ। हाँ जी मैंने बिल्कुल टेस्ट किया है, बिल्कुल टेस्ट किया है, एक बार नहीं बहुत बार टेस्ट किया इसको। किसके बारे में? सर ये जो इमोशनल पैक के बारे में जो बात हो रही है, आपका क्या कहना है सर? जी मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया, जो जो लोगों को अच्छी लगे वो खाएं, आपको अच्छी लगे ना खाओ, ठीक है भैया। अक्षय जी फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा, आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? बेटे तो आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहाँ इसकी बातें होंगी, अभी फिलहाल ये चल रहा है, आप समझदार इंसान लगते हो मुझे और आप ऐसी बातें कर रहे हो, यहाँ के यहाँ क्या जरूरत है इसकी बातें करने की? अच्छा, हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बातें कर रहे हैं। ओके फाइनल फ्यू क्वेश्चंस प्लीज एंड सम गुड वंस प्लीज, लास्ट टू क्वेश्चंस, otherwise Zenobia is going to beat me up. One question. अक्षय जी एक आखिरी सवाल ये कि अगर आप बता सके, हमने सुना है हमारी घड़ी में पूछ ले तू अपने दिल की तमन्ना, मेरी घड़ी में 8:36 हो रहे हैं, हमने सुना है ये 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में, हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है, 8 के करीब आप सो जाते हैं, तो इस समय आप अब तू बंद करेगा तो मैं जाऊंगा। थैंक यू, thank you. I would request Akshay sir to kindly stay on stage. Akshay sir kindly stay on stage. Mr. Kamath, Mr. Sridhar.